कैसे हैं सर? सब ठीक है भैया। बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं, क्या स्टॉक लेकर आ गए हैं वो बताइए। देखिए, बहुत दिन के बाद आए हैं और यहाँ स्टॉक का भरमार है, और स्टॉक में इस तरह का स्टॉक है जो आप आइएगा, आपको रिसेंट गाड़ी, अपडेटेड गाड़ी, बहुत तरह की गाड़ी आई हुई है, जो आपको महिंद्रा, हिंडई, सभी तरह की गाड़ी है, छोटी बड़ी गाड़ी सभी तरह गाड़ी होगी। बाकी भैया हम लोग चलिए स्टार्ट करेंगे। तो क्या गए, इग्निस J801 रांची रजिस्ट्रेशन, कलर भी काफ़ी थोड़ा सा हटके है भैया, ये ग्रे में, मेटेलिक ग्रे, मेटेलिक ग्रे कलर में है। डिटेल्स बताइए भैया इसकी। ये 2018 का मॉडल है, सिग्मा मॉडल है। सिग्मा, हाँ, इग्निस की सिग्मा मॉडल है जो 2018 की है, और ये चली हुई आपका 84,000 पेट्रोल। ये टॉप होती है या फिर कौन सी होती है? ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल है, ठीक है। किलोमीटर वगैरह बताइए भैया। देखिए, किलोमीटर 84,000 चली हुई है, और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 84,000। नंबर भी देखिए भाई, काफ़ी यूनिक नंबर है, 1550। बाकी देख लो, इस तरह से आपको मिलती है पेंट जॉब वगैरह भैया? ये इसमें आपको ओरिजिनल पेंट मिलेगा। ओरिजिनल, हाँ भाई, ओरिजिनल पेंट में है। इंश्योरेंस होगी क्या भैया इसमें? आपका इंश्योरेंस सितंबर तक है। ओनरशिप? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट, क्या आस्किंग कोड की जा रही है इस गाड़ी का? आस्किंग कोड किए हुए हैं 3,75,000। 3,75,000, बाकी फाइनेंस वगैरह भी हो जाएगी? हाँ, फाइनेंस एजीबी में हो जाएगा। तो भाई आइए, फाइनेंस वगैरह हो जाएगा। अगली कार कौन सी देखेंगे भैया हम लोग? अगली कार हम दिखाएंगे आपको ब्रेजा। ब्रेजा भाई, आज जो है ना, मिक्स सेगमेंट में हर वो गाड़ी मिलेगी आपको जो आपको पसंद है। और भाई सबसे पहले देखो, वाइट कलर में आपको देख लो, नंबर भी काफ़ी प्यारी है, 1733-01 रांची नंबर गाड़ी होगी। हाँ, इसमें ये स्टिकरिंग की गई है पहले से या फिर रहती है भैया बाद में? नहीं, जब शोरूम से निकलता है उसी टाइम डिमांड करता है कि भैया हमको स्टिकरिंग करना है, तो उस टाइम। अच्छा, ये मतलब हर ब्रेजा में आपको देखने को मिलता है? नहीं, हर ब्रेजा में नहीं, वो अपने शौक के आधार पर स्टिकरिंग करते हैं वो। चलिए डिटेल्स बताइए भैया, क्या कुछ होगी? ये आपका ब्रेजा की सबसे टॉप मॉडल गाड़ी, सबसे टॉप। हाँ, ओके, JDI प्लस है। JDI प्लस, देखिए 2020 से पहले जो भी ब्रेजा आती थी वो आपका डीजल वेरियंट में ही आती थी। ओके, तो ये वही है जो 2020 के नीचे है, जो 2018 की है, और ये VDI है, सॉरी, ये आपका JDI है प्लस, जो चली हुई मात्र 62,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और मेंटेन में है ही, थोड़ा बहुत टेचअप भी है, उसको माइनर नहीं करना है, सेकंड हैंड गाड़ी में हल्का फुल्का रहती है बिल्कुल, लेकिन ये गाड़ी मेंटेन में टॉप मॉडल गाड़ी है। टॉप मॉडल गाड़ी है। किलोमीटर वगैरह भैया? किलोमीटर आपका 62,000 चली हुई। 62। ओनर सीरियल? फर्स्ट। फर्स्ट। इंश्योरेंस वगैरह होगी इसमें? आपका इंश्योरेंस वैलिड है सितंबर तक। कब तक? सितंबर तक, इसी साल का सितंबर। हाँ, क्या आस्किंग कोड की जा रही है भैया इस गाड़ी का? आस्किंग कोड किए हुए हैं 6,63,000। 6,63,000, बाकी फाइनेंस वगैरह भी हो जाएगी भैया? हाँ। चलिए अगली गाड़ी कौन सी देखेंगे हम लोग? देखिए, ये सब गाड़ी कुछ कुछ ऐसा भी है जो पहले का वीडियो में भी दिखने को मिल रहा है बिल्कुल, लेकिन ये मत समझिए कि वही वीडियो को दिखा रहे हैं, ऐसा है कि टाइम बदलता है तो गाड़ी का रेट भी बदल जाता है बिल्कुल। ये हम लोग दिखाएं क्या, बोलेरो दिखाएं क्या भैया? बोलेरो नहीं, आप इसको दिखाइए, स्विफ्ट। स्विफ्ट भाई, स्विफ्ट देख लो भाई, बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है, गाड़ियों में से एक आती है स्विफ्ट। देखिए, ये स्विफ्ट है, ग्रे मेटालिक है ना भैया? ग्रे मेटालिक है। ओके, ये स्विफ्ट आपने देखे होंगे वीडियो में, विनोद जी का वीडियो में, ये आपका 5,30,000 में। ओके, अभी इसकी क्या है अभी? लेकिन इस गाड़ी का टाइम हुआ, लगा कि मार्केट में थोड़ा सा रेट ज्यादा है, तो हम लोग आप ही का हिसाब से, आप लोग का डिमांड के हिसाब से इस गाड़ी का रेट रखे हुए मात्र 4,90,000। पहले कितनी थी भैया? पहले 5,30,000 थी। 5,00,000 मतलब 40-50,000 की डिस्काउंट है इसमें? हाँ, डिस्काउंट कर दिए, लगा कि थोड़ा सा है मार्केट में रेट ज्यादा, तो फिर कम कर दिए। चलिए थोड़ा डिटेल्स भी इसका बता दीजिए। देखिए, ये मात्र चली हुई 62,000। ओके, और ये 18 की है, VXI मॉडल है, स्विफ्ट, जो पेट्रोल वेरियंट में है और काफी मेंटेन में भी है, और ये इस गाड़ी में इंश्योरेंस भी वैलिड है दिसंबर तक। दिसंबर तक। चलिए अगली गाड़ी वेगनार भी हम लोग दिखाते हैं भैया, बहुत ज्यादा कमेंट भी आती है वेगनार। हाँ, दिखा दीजिए बिल्कुल, वेगनार दिखाइए जो काफी अच्छी कंडीशन में है, जो 2015 की है, VXI मॉडल। ओके, पेट्रोल वेरियंट में है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। ओके, गाड़ी का कंडीशन भी कुछ अच्छी है, और इसमें थोड़ा बहुत टचअप किया हुआ है, जो ये माइनर है, सेकेंड हैंड गाड़ी में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, अगर आप नहीं भी बोलिएगा तो हमको करना पड़ता है। रीजन ये है कि अगर हम साफ सुथरा नई गाड़ी का रखेंगे तो कस्टमर देखेगा तक नहीं, देखेगा तक नहीं, इसीलिए भाई थोड़ा बहुत रहती है। सिटी में चलती है J801 रांची नंबर गाड़ी होती है, तो भाई थोड़ा बहुत ट्रैफिक वगैरह में इधर उधर हो जाता है, आप नहीं कीजिएगा अगला आदमी करके चल जाएगा। हाँ, चलिए भैया, क्या किलोमीटर चलिए?
ये चली हुई है मात्र 47,000 2015 की है। 2015 की, बाकी कोई तरह से खर्च वगैरह इसमें कोई खर्च नहीं है। लगभग समझिए मारुति की गाड़ी में उसका कोई खर्च नहीं होता है, ये फैमिली पर्पज़ के लिए और ये लो मेंटेनेंस गाड़ी कहलाती है। चलिए आस्किंग क्या है इसकी? इस गाड़ी का आस्किंग कोड किए हुए राउंड फिगर 3 लाख। 3 लाख, तो भाई 3 लाख में ले जाइए 2015 की है, 15 की गाड़ी है। अगली कौन सी हम लोग देखेंगे भैया? अगली कार हम लोग भाई बड़ी सेगमेंट लेकर आ गए हैं, जो कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और भाई यूपी की सबसे बेस्ट, मतलब भाड़ा वाली गाड़ियों में से एक नंबर की गाड़ी है भैया, बहुत ही चलती है। देखिए ये है रूरल एरिया से अर्बन एरिया, हर जगह पे आपको बोलेरो यूज होती है। बोलेरो कमर्शियल यूज करके, सॉरी कमर्शियल में ज्यादा यूज होता है, जैसे आपका कभी कभी सीजन आ जाता है शादी लगन, बहुत बारात उरात में तो गजब का चलता है भैया, सिर्फ बोलेरो और स्कॉर्पियो ही चलता है। क्या की उसमें स्पेसियस ज्यादा रहता है, स्पेसियस ज्यादा है, कम्फर्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, हर ऑफ रोड ऑन रोड सब तरह से चल सकता है भैया ये सब गाड़ी, इसीलिए पसंद की जाती है। और खास करके 90% भी भाड़ा में चलती है ये गाड़ी। हाँ वाइट कलर में है, रांची JH11 कहाँ की नंबर होगी भैया? ये आपका ग्रेडी का मिल जाता है। ग्रेडी, क्या डिटेल्स होगी इसकी वो बताइए। ये आपका 2016 की मॉडल है जो SLE है बोलेरो की। ओके, ये 98,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, बाकी नंबर इसकी देखिए भाई यूनिक है, 7252 JH11 ग्रीडी 7252। बाकी भैया कोई तरह से गाड़ी में खर्च वगैरह तो नहीं? देखिए इस गाड़ी में उसका कुछ खर्च नहीं है और उससे कुछ डेंट पेंट भी नहीं है, थोड़ा बहुत है जो बम्पर ये सब बम्पर हुआ। M2DI इसमें इंजन लगी हुई है क्या भैया? हाँ, बाकी देख लो भाई इंटीरियर आप लोग यहाँ से देख सकते हो, अच्छी कंडीशन में है। मतलब कितने सीटर ये गाड़ी आती है? 7 सीटर ना ये? 7 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी आती है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। आपको पीछे से भी दिखाते हैं भाई, SLE है ना भैया? SLE है। तो भाई इस तरह का लुक हो जाएगी। अब भैया इसकी बताइए कीमत, क्या कीमत होगी? देखिए इस गाड़ी का कीमत रखे हैं जो 5,09,000 है। 5,09,000 2016 की है, 16 की गाड़ी है भाई। तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा आइए लेके जाइए, डिस्प्ले पे भैया का नंबर चल रहा होगा, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। चलिए अगली कार कौन सी दिखाएंगे भैया? हम लोग सेलेरियो लेके आ गए हैं। सेलेरियो जो कि भाइयों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट होते हैं, पहले बताइए पेट्रोल या डीजल? ये पेट्रोल वेरिएंट में है जो रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, JH01। ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है तो काफी खूबसूरत लग रही है भैया। ये क्रोम लगी हुई है जो एक्सेसरीज के तौर पे लगाई जाती है। चलिए डिटेल्स बताइए इसकी। ये 2021 की मॉडल है, मतलब न्यू ब्रांड गाड़ी ही है समझिए, और वेल मेंटेन में है, चली हुई है 27,000। ओनर सीरियल फर्स्ट है। फर्स्ट, कोई तरह से खर्च वगैरह? इसमें कोई खर्च नहीं है। पेंट जॉब वगैरह? इसमें कोई पेंट भी करने का जरूरत नहीं है, कहीं है भी नहीं पेंट। बाकी इंटीरियर देखो भाई, ब्लैक और मिल्की वाइट में है जो कि काफ़ी खूबसूरत और टचेबल डिस्प्ले। आफ्टर मार्केट या फिर पहले से भैया? ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी को एनहांस कर दे रही है भैया। बाकी देख लो सीट वगैरह कंडीशन कुछ इस तरह से आप लोग को यहाँ से मिलता है। और भाई गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, भाइयों की एक पसंद है, छोटी फैमिली वाली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ियों में से एक है। सारा कुछ हम लोग ने दिखा दिया है, अब बताइए इसकी क्या आस्किंग कोड की जा रही है? इस गाड़ी का आस्किंग कोड किए हुए हैं जो 4,45,000 रखे हुए। 4,45,000 2021 की है, 21 की गाड़ी है भाई, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो जिन किन्हीं भाइयों को चाहिए होगा ना भाई आइए लेके जाइए। और भाई कीमत आपको थोड़ा बहुत भैया अगर मेरे चैनल के थ्रू आएंगे तो करवा दीजिएगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान तो रहेगा, लेकिन आप ये माइंड में मत रखिए कि भैया आएंगे तो 50,000 नेगोशिएबल हो जाएगा, ये कभी माइंड में मत रखिए, काहे कि उतना नेगोशिएबल होता नहीं। चलिए अगली गाड़ी देखते हैं, डिमांड वाला गाड़ी लेकर आ गए। हाँ मारुति की एक आती है भैया इको और एक आती है ओमनी, जो कि बहुत ही कमर्शियल यूज़ को लेकर काफ़ी भाइयों की डिमांड होती है और बहुत सारे कमेंट आते रहती है। ये कब गाड़ी आई है भैया पहले वो बताइए? देखिए गाड़ी कल आई है। कल? हाँ, और ये इसका हम डिटेल्स रेट नहीं बता पाएंगे प्रॉपर, रीजन क्या है कि कल आई है, इसका वैल्यूएशन भी नहीं हुआ। ओके, मतलब ये स्टॉक में जमा हो गई है, अगर आप चाह रहे हैं तो रिसेंटली कोशिश कीजिए कि आप शोरूम विजिट कीजिए और आप एक बार इंक्वायरी कीजिए। चलिए पहले बताइए, 2018 लास्ट की है, मतलब 19 की गाड़ी है। ओके, और गाड़ी चली हुई है 60,000 और फर्स्ट ओनर गाड़ी है, मतलब मेंटेन में देखा जाए तो फुली मेंटेन गाड़ी है। खूबसूरत और प्यारी लग रही है भैया, हमको लगता है ओरिजिनल कार है ना? हाँ, ये ओरिजिनल कलर है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा पेंट नहीं किया हुआ है। एक्स्ट्रा पेंट नहीं, लेकिन एक जगह भैया एक्स्ट्रा ये टूट गया है, वो क्या?
ये एक्स्ट्रा टूट गया है तो इसका भी सोल्यूशन है जो हम करके देंगे, ये चेंज करा, चेंज करवा के देंगे भाई, चेंज करा के दिया जाएगा। नंबर देख लो भाई, ये सर्विस रिकॉर्ड वगैरह निकाल सकते, इसकी कीमत बाद में पता चलेगी भाई, क्योंकि अभी आई नहीं है। इस गाड़ी का कीमत हम बताएंगे, जो नंबर दिया है उस पे आपको कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिएगा, या तो आप अगर चाह रहे हैं कि हमसे डिस्कस करना, बात करना, तो परमानेंट कार ब्लॉग्स में भी जाके इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा हम सारा। चलिए भाई, चलिए अगली गाड़ी हम लोग लेके आ गए हैं, स्विफ्ट। हाँ, ये पुरानी वाली मॉडल है ना भैया, कब की गाड़ी है ये? स्विफ्ट है, डीजल वेरियंट में है, जो 2017 का मॉडल। ओके, और ये काफी मेंटेन में है, डीजल वेरिएंट में तो कहना ही नहीं, माइलेज का जो 24-25 का माइलेज दे दे, 24-25 का दे देती है। हाँ, वो चलाने पे डिपेंड करता है भाई, तो 24-25 का आपको माइलेज देगी, मतलब सोच लो कि अच्छी, आपको अच्छा खासा माइलेज डीजल में है। भाइयों को काफी ज्यादा कमेंट भी आती है डीजल वाली सेगमेंट के लिए, तो भैया थोड़ी डिटेल्स बताइए इसके। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है और ये 77,000 चली हुई है। ओके, और इस गाड़ी का जेन्युइन रेट भी रखे हुए हैं, जो 4,79,000 रेट, 4,79,000। तो भाई आइए, 4,79,000 में लेके जाइए, बाकी यहाँ आते हो तो बाकी वो गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी ना भैया? हाँ, फाइनेंस इजी वे में हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी। बाकी चलिए हम लोग और कौन सी गाड़ी दिखाएंगे भैया? देखिए, एक सस्ता सुविधा में आपका एक डिजायर दिखाइए, जो आपका डॉक्टर ओनर वाली गाड़ी दिखाइए। अच्छा, डॉक्टर वाली गाड़ी, पहले भाई लोगो देख लो आप लोग, डॉक्टर की गाड़ी है, डिजायर है, नंबर 01 रांची, और नंबर भी इसकी प्यारी है भैया, 5052। चलिए डिटेल्स बताइए भैया। ये आपका 2011 की मॉडल है और चली हुई है 1,01,000, ठीक है। ये पेट्रोल वेरिएंट में है और इस गाड़ी में इंश्योरेंस भी वैलिड है, इंश्योरेंस जो आपका दिसंबर तक है, दिसंबर तक। कोई तरह से गाड़ी में खर्च वगैरह? इसमें कोई खर्च नहीं है। इस गाड़ी में एक खासियत लगी हुई है, जो अलॉय व्हील लगी हुई है, बहुत ऐसे शौकीन वाज होते हैं जो अलॉय व्हील चाहते हैं। तो भाई अलॉय देख लो, अलॉय लगी है और काफी प्यारी लग रही है भैया ये अलॉय। बाकी थोड़ा इंटीरियर भी आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग यहाँ से इंटीरियर देख लो, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो इनबिल्ड आती है ना भैया इसमें? हाँ, इनबिल्ड आती है। बाकी देख लो अंदर के, कुछ इस तरह से आपको सीन मिल जाती है, डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, इसलिए देखिए वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको अपडेट जानकारी मिल जाना, और वो अपडेट जानकारी आपको ब्लॉग से मिलता है। अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जो आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेगा। बिल्कुल, बाकी फाइनेंस वगैरह तो हो जाएगा सारा, जो फाइनेंस की फैसिलिटी है जो आसानी से हो जाएगी। कहाँ कहाँ करा दीजिए? देखिए, ओनली फॉर झारखंड के लिए है, लेकिन आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए लोकल गारंटर देना पड़ता है, लोकल गारंटर। ओके, बाकी इंश्योरेंस और नाम ट्रांसफर के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए भैया। देखिए, नाम ट्रांसफर होती है आपका कंपनी करके देती है, उसमें 12% जो GST है ये सब लगती है, वो सारा चीज कंपनी ये करती है, ठीक है। लेकिन जो किसी किसी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं रहता है, तो उसमें आपको इंश्योरेंस करना पड़ेगा, वो आपका मोड होता है, जैसे कोई किसी का फाइनेंस करना होता है, कोई कैश में लेता है, तो इंश्योरेंस जो होती है वो आपको करना पड़ेगा, बाकी नाम ट्रांसफर का जिम्मेवारी कंपनी की है। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हैं, जिससे आप लोग को भी अगर कोई गाड़ी खरीदनी होते उससे आपको जानकारी मिल पाता है।